ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है, भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम अगले 24 साल में फिर से गुलाम हो जाएंगे? क्या हमें आजादी लीज पर मिली हुई है? आजादी के 100 साल पूरे होने पर क्या हो जाएगा? क्या हम फिर से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे? आखिर ब्रिटेन ने आजादी के बाद क्यों भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल कर दिया? हेलो नमस्कार, जय हिंद। अगर आप सोच रहे हैं कि ये देश पूर्ण रूप से आजाद है तो सावधान। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता की तर्ज पर जहां प्रथम आजादी दिवस पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान नाम के धार्मिक विभाजन का शोक भी था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हालांकि 1950 से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बात है 1945 की, जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी ने लंदन पर 15 दिनों तक लगातार बम गिराया था और पूरे ब्रिटेन को तबाह करके रख दिया था। Preceded by a shower of flares, German bombers rained fire and high explosive bombs in their most savage attack on London. Here again is the blood, the sweat and tears that Nazi warfare brings to the men. Watch by blast, dawn reveals the terrors of the night. London has been wounded during the hours of darkness, but what colossal strength runs in her veins. As hoses still play on the smoldering ruins, a fireman is heard to say, Blimey, he wasn't half cross. उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल की सरकार चल रही थी और विपक्ष में लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली थे। अगली सरकार के लिए आम चुनाव में लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली ने वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही वह भारत को आजाद कर देंगे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले ब्रिटिश भारत को पूर्णतः आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने लेबर पार्टी का साथ दिया और एटली प्रधानमंत्री बने। The last of our enemies is laid low. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the king. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन होने की संभावना दिखने लगी। फलस्वरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख द्वितीय विश्व युद्ध के जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे सालगिरह के दिन तय किया। मुस्लिम लीग द्वारा अलग से पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा था। Two self-governing dominions within the British Commonwealth of Nations. After less than a century under them, nearly everyone is hungry. जिससे ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया था। माउंटबेटन योजना की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 12 बजे भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों का उदय हुआ। क्योंकि पाकिस्तान का मानक समय भारत के मानक समय से आधा घंटा पीछे है, अतः पाकिस्तान 14 अगस्त को जबकि भारत 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिटिश भारत की सीमाओं को दो भागों में बांट दिया गया। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदुओं ने नई सीमा को पैदल पार कर सफर किया। पंजाब और बंगाल में हिंसा भड़क गई और बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। एक तरफ पूरा देश जहां आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर देश में बड़े पैमाने पर रक्तपात हो रहा था। हालांकि 15 अगस्त को आजादी मिली और देश में अंतरिम सरकार का शासन चलने लगा।
एवं 1951-52 के प्रथम आम चुनाव के बाद देश में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन लीज पर आजादी का क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार लोग कहते हुए दिख जाते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और भारत को जो आजादी मिली है 1947 को, वह 100 वर्षों की लीज पर मिली हुई है, वो पूर्ण रूप से आजादी नहीं है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल 26 संप्रभु राज्यों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें अधिकांश राष्ट्र वो हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश का गुलाम रहे हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि ये भूतपूर्व गुलाम राष्ट्रों का संगठन है, इसलिए आजादी 100 वर्षों की लीज पर मिली हुई है, पूर्ण आजादी नहीं है। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है, भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक संगठन है और इसकी सदस्यता सदस्य देश की इच्छा पर निर्भर करता है, ये किसी भी परिस्थिति में लीज की आजादी को इंगित नहीं करता है। 1971 की राष्ट्रमंडल की सिंगापुर घोषणा में आपसी सहमति से यह उल्लिखित किया गया कि ये संगठन आपसी सहयोग और लोकतंत्र मानवाधिकार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति के लिए प्रयास करेगा। इसी संगठन का प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार वैश्विक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। राष्ट्रमंडल का उदय 1926 में बेलफोर घोषणा के फलस्वरूप हुआ था, उस समय इसका नाम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था। 1949 के लंदन घोषणा के फलस्वरूप इसमें से ब्रिटिश शब्द को हटा दिया गया और इसका नाम राष्ट्रमंडल हो गया। 29 जून 2022 को इसमें गैबोन और टोगो, दो अफ्रीकी राष्ट्र भी हाल ही में शामिल हुए, जिनका ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं था। हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित भी किया जा सकता है और कई राष्ट्रों को निलंबित किया भी गया है, जैसे फिजी और पाकिस्तान को 2 बार राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित किया जा चुका है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि भारत या कोई भी राष्ट्र जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ सकता है या अनुशासनहीनता की दशा में सदस्यता से निलंबित भी किया जा सकता है, जैसे फिजी पाकिस्तान इत्यादि को निलंबित भी किया गया है। इसलिए इसे लीज की आजादी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर सदस्यता को छोड़ा जा सकता है तो भारत अपनी राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ क्यों नहीं देता है, इसका क्या फायदा मिलता है सदस्य रहकर? तो हम उन लोगों को बता देना चाहेंगे कि राष्ट्रमंडल समूह के देशों के बीच व्यापारिक खर्च उन देशों की तुलना में 19% तक कम होता है जो इसके सदस्य नहीं है, अर्थात जो इस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उनको व्यापारिक खर्चों में 19% फायदा होता है। ये सदस्यता का सबसे बड़ा फायदा है। और भी बहुत सारे फायदे हैं राष्ट्रमंडल की सदस्यता के, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के फायदे क्या क्या हैं इसके लिए अलग हम टॉपिक बनाएंगे। फिलहाल के लिए अब तक आप समझ गए होंगे कि भारत को जो भी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है वो पूर्ण आज़ादी है, वो लीज की आज़ादी नहीं है। अतः भारत की पूर्ण आज़ादी के 77वें वर्षगांठ और 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द्रोण जी, शीर्षासन के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।